हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। फ्यू एम मैथ ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू, इससे पहले लेक्चर में हमने सिर्फ उसको बेसिक डेफिनेशन की बात की थी, उसके मेथड की बात किया था कि हम कैसे उसको लॉरेंट सीरीज या कोई एक्सपेंशन है तो उससे हम रेसिड्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम इस लेक्चर में उसके मेथड पे प्रॉपर फॉर्मेट में जो मेथड होगा उस पर हम बात करेंगे कि रेसिड्यू सिंपल पोल पे हम कैसे निकालेंगे, मल्टीपल पोल पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, और बहुत ही लॉट ऑफ पॉइंट्स अवेलेबल हैं तो उन सभी पॉइंट्स पे धीरे 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 करके डिस्कशन करेंगे। तो आई हियर समथिंग देखते हैं पहले, और अंदर्स मेरे चैनल एम मैथ्स ट्यूटोरियल का एंड्रॉयड ऐप्स अवेलेबल है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अपना फीडबैक आप दे सकते हैं मुझे मेरे फेसबुक पेज, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए हम इसकी बात करते हैं। पहला जो हम ले रहे हैं कि रेसिड्यू एट सिंपल पोल, दैट इज इम्पॉर्टेंट, रेसिड्यू एट सिंपल पोल जेड इक्वल टू ए। ठीक, इस पर हमें फाइंड करना है कि रेसिड्यू की वैल्यूज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेसिड्यू एट सिंपल पोल जेड इक्वल टू ए इज ऑर्डर। तो फार्मूला हमारे पास है, इज रेसिड्यू एफ जेड एट जेड इक्वल टू ए इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंडिंग टू ए जेड माइनस ए एफ जेड। दैट इज द फार्मूला, ध्यान रखिएगा, दैट इज द इम्पॉर्टेंट जनरल फार्मूला कि रेसिड्यू एफ जेड जेड इक्वल टू ए, सो लिमिट जेड टेंडिंग टू ए जेड माइनस ए एफ जेड। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं कि हमें निकालिए रेसिड्यू एफ जेड इक्वल टू ए पावर टू जेड ले लेते हैं, यहाँ जेड माइनस वन ले लिए, जेड माइनस टू ले लिए या जेड प्लस टू ले लिए, नो प्रॉब्लम। तो पहला वर्क ये तो है कि पोल जब ऑर्डर है, यहाँ पे सिर्फ सिंपल पोल की बात कर रहा हूँ मैं, उसके बाद जब मल्टीपल वगैरह आएंगे तो अलग बात है, बट इज अ सिंपल पोल को सिंपल पोल हियर इसकी पावर वन है, मतलब ये हम पहचान लें कि पोल जो है सिंपल है। तो अब हमें निकालना है दिट इज हियर कि जेड इक्वल टू वन एंड जेड इक्वल टू माइनस टू आर सिंपल पोल। ठीक, तो रेसिड्यू एफ जेड एट z इक्वल टू वन पर, ध्यान रखिएगा दैट इज इम्पॉर्टेंट, z माइनस तो लिमिट z टेंडिंग टू, यहाँ a है तो z टेंडिंग टू वन, z माइनस वन इन टू एफ जेड। एफ जेड मतलब ये टोटल जो हमारा टर्म्स है स्टूडेंट, टोटल रहेगा तो e पावर टू z अपॉन z माइनस वन और z प्लस टू, सो दैट वैल्यू इज कैंसल, पुट द लिमिट ई स्क्वायर अपॉन वन प्लस टू थ्री, ये वैल्यूज मिल गई। दूसरा रेसिड्यू एफ जेड एट जेड इक्वल टू माइनस टू जो यहाँ पे निकाला गया है, तो प्रोसेस वही, लिमिट टू माइनस टू, जेड माइनस ए तो यहाँ पे आ जाएगा जेड प्लस टू, और इनटू एफ जेड तो ई पावर टू जेड अपॉन जेड माइनस वन जेड प्लस टू, सो दैट वैल्यू इज कैंसल, पुट द लिमिट ई पावर हो जाएगा यहाँ पे माइनस फोर और यहाँ पे होगा माइनस टू माइनस वन माइनस फोर अपॉन माइनस थ्री। तो ये हो गया, दैट इज अ प्रोसीजर कि मतलब अगर सिंपल पोल है तो इस तरह से हम वर्कआउट करेंगे। सिंपल पोल में भी एक और कैटेगरीज है जिस पर हम अभी बात करेंगे, दैट इज इम्पॉर्टेंट, ये सेकेंड पार्ट है सिंपल पोल का, ठीक है। देखिए सिंपल पोल जैसे, अब अगर हम एब्जर्ड ऑफ द फॉर्म, इफ एब्जर्ड ऑफ द फॉर्म, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, एब्जर्ड मान लीजिए इस तरह से हो, फाई जेड अपॉन साई जेड, फाई ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो बट साई ए इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, इफ कंडीशंस एट पॉइंट कहाँ पर, जेड इक्वल टू ए पे, जेड इक्वल टू ए पे, अगर एफ जेड इस फॉर्मेट में है,
अब जेड फाइव जेड अपॉन साइज जेड है, मतलब वो दो फंक्शन है कोई भी हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमेटर में ऐसे फंक्शन है, और जिसमें हम अगर न्यूमरेटर जो है वो उस पॉइंट पर्टिकुलर पोल्स पे पॉइंट पे जीरो नहीं है, बट डिनोमेटर इट विल बी ज़ीरो। अगर डिनोमेटर ज़ीरो है तो रेसिड्यू एफ जेड एट जेड इक्वल टू ए इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंडिंग टू ए, ध्यान रखिएगा दैट इज इम्पॉर्टेंट, फाइ जेड अपॉन साई डैश जेड, मतलब ये डेरिवेटिव कर देंगे यहाँ पे, इम्प्लाई दैट दिस फाइ ए अपॉन फाइ सॉरी साई डैश ए, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कहें कि अगर एक बार और निकालते हैं तो दैट इज़ ईयर फिर से वो प्रोसीजर को हम फॉलो कर लेंगे एफ जेड का फॉर्म, तो दैट इज़ ईयर। तो ये ध्यान रखिएगा अगर यह सिंपल पोल है और न्यूमरेटर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, डिनोमेटर ज़ीरो है, तो उस केसेस में हम इस डिनोमेटर का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं और उसके बाद इस पॉइंट को पुट अप कर देते हैं, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट। तो ये बहुत ही मतलब एक कह सकते हो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा पॉइंट रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कह दें कि एफ जेड इज इक्वल टू कॉट ऑफ जेड, ठीक है, कॉट जेड समझ में आ रही है, ध्यान रखिएगा कॉट जेड है और हम कह रहे हैं कि पोल को निकालना है, पोल एंड रेसिड्यू की काउंटिंग करनी है, पोल और रेसिड्यू की काउंटिंग हमें करनी है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट है कि एफ जेड हमारा क्या है, कॉस जेड अपॉन साइन जेड है, और ठीक है तो पोल की बात हम कर लें, दैट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पॉइंट दिया नहीं है तो बट इज पोल इज व्हाट, डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो, साइन ऑफ जेड इक्वल टू जीरो, तो साइन ऑफ एन पाए, तो दैट इज जेड इज इक्वल टू एन पाए, ठीक, और वेयर इज एन इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू एंड सो वन, बहुत सारी वैल्यूज होंगी, तो हमें इस देखना है कि z इक्वल टू एन पाई पे ये फंक्शन कैसा बिहेव करता है, z इक्वल टू एन पाई पे मतलब इज यर कि रेसिड्यू जो होगा हमारा, पहले देखते हैं कॉस ऑफ एन पाई क्या होगा, ज़ीरो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एन साइन ऑफ एन पाई क्या होगा, दैट इज़ अ ज़ीरो, मतलब कहने का ये हो गया कि डिनोमिनेटर अगर ये जैसे हमारा फाइ जेड है और ये साइ जेड है, तो एट पॉइंट जेड इक्वल टू एन पाई दैट इज़ द पोल है, ये इस पोल पर इस डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़ीरो हो रही है, ये तो पोल है ना, तो इस डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो रही है हमारी, ज़ीरो हो रही है। तो अब रेसिड्यू की बात हम करेंगे, तो रेसिड्यू एफ जेड एट जेड इक्वल टू एन पाई, ध्यान रखिए तो लिमिट जेड टेंडिंग टू एन पाई, और यहाँ पर फाइ जेड कॉस ऑफ जेड डिवाइडेड बाय फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर साइ जेड, इसका डेरिवेटिव तो हो जाएगा कॉस जेड, ठीक, दैट इज द कैंसल, दैट इज द वन, तो रेसिड्यू मिल गया हमें इस पोल का, जो रेसिड्यू है इज वन। तो ये है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये ध्यान रखिएगा, ये अगर ज़ीरो ऐसा मिला तो हमें वर्कआउट करना पड़ेगा ये वाला पोर्शन। ठीक है, एक और क्वेश्चन थोड़ा सा लेते हैं तो समझ में और आएगा आपको, एफ जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन साइन जेड एट जेड इक्वल टू जीरो भी नहीं सॉरी एट, इसका निकालना है इस पोल एंड रेसिड्यू, दैट इज वे, तो फिर से वही वर्क, फर्स्ट पोल साइन ऑफ जेड ज़ीरो एन पाई जेड इक्वल टू एन पाई, एन इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू अप टू इनफाइनाइट, जो भी जितनी हमें रिक्वायर्ड्स होगी उतनी हम ले लेंगे, बहुत सारी वैल्यूज को डिफाइन। तो अब और काटे हैं,
वर्क हम करते हैं, जैसे एफ जेड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जेड अपॉन साइन जेड है, फाइव जेड अपॉन साइन जेड है, ठीक। तो फाइव जेड इज इक्वल टू जेड, और इसकी वैल्यू अगर हम निकालें जेड इक्वल टू एन पाई पे, तो हमें मिल जाएगा फाई ए, अगर हम कह लें तो दैट इज हियर हो जाएगा एन पाई, हमारा मिल जाएगा। साई जेड जो है इज हमारा साइन ऑफ जेड है, और इसकी वैल्यू अगर हम निकालें साई एन पाई की, तो साई साइन एन पाई विल बी ज़ीरो। मतलब कहने का कि यहाँ पे जो हमारा वर्क है, तो एफ जेड इज इक्वल टू, तो अब डिनोमिनेटर ये तो ज़ीरो हो गया, तो रेसिड्यू क्या होगा? रेसिड्यू मतलब एफ जेड जो है, दिस इज फाइव जेड अपन साई जेड, फाई ए इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो बट साई ए इज इक्वल टू ज़ीरो, सो रेसिड्यू एफ जेड एट जेड इक्वल टू ए, लिमिट जेड टेंडिंग टू ए, फाई जेड अपॉन साई डैश जेड डेरिवेटिव। तो अब यहाँ एन पाई पे हमें काउंटिंग करनी है, तो एन पाई पे कर लेते हैं सिंपल। रेसिड्यू एफ जेड एट जेड इक्वल टू एन पाई, लिमिट जेड टेंडिंग टू एन पाई, ठीक। ध्यान रखिए एन पाई, साई जेड इज व्हाट, फाई जेड जेड डिवाइडेड बाय, अब इसका डेरिवेटिव मतलब कौन से टर्म का, साइन जेड का, कॉस जेड, पुट द वैल्यू एन पाई अपॉन कॉस ऑफ एन पाई, दिस इज एन पाई अपॉन माइनस वन रेस टू एन, ये मिल गया रेसिड्यू। तो ये रहा वर्कआउट कि व्हाट इज द रेसिड्यू ऑफ दिस साइन, इसका जेड अपॉन साइन जेड, तो एन पाई अपॉन माइनस वन रेस टू एन इज इम्पॉर्टेंट। तो ये तो सिंपल पोल की कहानी है कि हम सिंपल पोल पर वर्कआउट किस तरह से करते हैं। अब आइए थोड़े मल्टीपल पोल की हम बात करते हैं कि मल्टीपल पोल पर हम कैसे वर्क करेंगे। तो रेसिड्यू ऑफ एब्जेक्ट has pole order m। अब हम कह रहे हैं कि this is this third point पे कि अगर residue of fz has pole of order m, order m के pole की residue को हमको निकालना है, that is simple workout, ठीक है, ध्यान रखिए। तो हमारा जो formula होगा, this is residue fz at z equal to a is equal to 1 upon m माइनस वन फैक्टोरियल, ध्यान रखिएगा, लिमिट z टेंडिंग टू a, z माइनस a रेस पावर m इंटू एफ जेड है। नो यहाँ पे दैट इज ईयर जो हम, ये तो पिछला है बट यहाँ पे चेंजेस हैं, तो यहाँ पे क्या चेंजेस है ये देखिए, यहाँ पे अब डेरिवेटिव आ जाता है, जैसे ही हम एक से ज़्यादा पहुँचते हैं वहाँ पे डेरिवेटिव वाला कंसेप्ट स्टार्ट होता है। ये रहा z माइनस ए पावर m एंड एफ जेड, अब जा कर के ये सही होगा। तो ये ध्यान रखिए, जब एक से ज़्यादा सिंपल पोल को छोड़ करके, जो सिंपल पोल से ज़्यादा होंगे, पोल ऑर्डर टू हो, ऑर्डर वन हो, ठीक, अरे सॉरी ऑर्डर टू थ्री फोर एंड समथिंग हो, तो उस तरह से इस केसेस में हम ये फार्मूला यूज करेंगे। जैसे हम मान ले कह दें कि एफ जेड ए पावर थ्री जेड अपॉन जेड माइनस टू का क्यूब ले लेते हैं हियर, कि इसका हमें रेसिड्यू निकालना है। इस एक लॉजिकली एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हमें इस पॉइंट का रेसिड्यू निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर एम है तो वन अपॉन एम फैक्टोरियल एम माइनस वन जेड इक्वल टू टेन, दिस इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यूज। तो ये हमें वर्कआउट करना है कि इस पॉइंट का हमें रेसिड्यू क्या होगा। तो पहले तो हमें पोल को डिफाइन करना है कि पोल क्या है, जेड माइनस टू क्यूब है जीरो, तो जेड इक्वल टू टू, बट ऑर्डर की बात करनी है तो ऑर्डर इज थ्री, नॉट सिंपल,
क्योंकि पावर इज 3 तो ऑर्डर इज 3, मतलब m की वैल्यूज है 3। तो यहाँ पे आ जाइए, दिस इज रेसिड्यू एफ जेड एट जेड इक्वल टू 2, इम्प्लाई दैट 1/3 माइनस 1 फैक्टोरियल, ध्यान रखिएगा, लिमिट z टेंडिंग टू 2 d स्क्वायर हो जाएगा, 3 माइनस 1 है तो d स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर, z माइनस 2 का होल क्यू हो जाएगा, z माइनस a पावर m है तो z माइनस 2 रेस्ट पावर q, एफ जेड मतलब ये टोटल, दैट टर्म इज कैंसिल, ये हो गया आपका 1/2 फैक्टोरियल। बट इज इम्पॉर्टेंट वे, इसका पहले डेरीवेटिव मतलब ये डी टू अपॉन डी जेड स्क्वायर ई पावर 3z कर लें, फिर हम लिखेंगे जेड इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यूज। तो टू टाइम आपका डिफ्रेंशिएशन करना है आपको, ये तो हो गया 1/2, इसकी वैल्यूज कितनी हो जाएगी 3 ई पावर 3z इंटू, फिर से हमें 3 मिल जाएगा, टू टाइम्स कर देंगे तो 3 ई पावर जेड मिलेगा, फिर से करेंगे तो 3 ई पावर जेड 3z मिल जाए, तो दैट इज वैल्यूज जेड इक्वल टू 2। तो ये मिल गया आपको 3/9/2 इंटू ई पावर 6, यहाँ पर रख दीजिए डेड इक्वल टू 2, तो ये वर्कआउट हो गया, मतलब हमें मिल गया रेसिड्यू एफ जेड एट जेड इक्वल टू 2 पर, दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो ये है लॉजिकल वे इस तरह के क्वेश्चंस को हमें हैंडल करने के लिए। तो आइए और क्वेश्चंस लेंगे अभी, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका हमें सोल्यूशन यहाँ पे करना है, तो और कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं फिर इसके सोल्यूशन पे हम बात करते हैं। तो मेरे पास है क्वेश्चन, सो आइए एफ जेड हियर जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस 2 का होल स्क्वायर है और जेड माइनस 3, ठीक है, फाइंड रेसिड्यू, ठीक, एंड ऑर्डर ऑफ होल, ये क्वेश्चंस लिख लिया। तो अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस है कि रेसिड्यू को भी फाइंड करना है और ऑर्डर ऑफ पोल को भी निकालना है। तो पोल वर्कआउट, पोल कैसे निकालते हैं आप, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, तो z प्लस 2 होल स्क्वायर एंड z माइनस 3 इक्वल टू 0, तो z प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इम्प्लाई दैट z इक्वल टू माइनस 2, और ऑर्डर की बात कर लें हम 2, क्योंकि ऑर्डर इज 2, दूसरा 0 जेड इक्वल टू 3 बट इज ऑर्डर इज इक्वल टू 1, मतलब सिंपल पोल, और ये मल्टीपल पोल। तो अब ये तो निकल गया हमें, पोल की बातें हो गई कि एक पर जेड इक्वल टू माइनस 2 पे ऑर्डर 2 है, मतलब मल्टीपल पोल है, और यहाँ पे जो है ये सिंपल पोल है, ठीक है। अब हम रेसिड्यू की बात करते हैं, तो पहले रेसिड्यू सिंपल पोल वाला कर लें, रेसिड्यू एफ जेड एट सिंपल पोल। तो पहले हम फार्मूले की बात करते हैं, तो सिंपल पोल पहले 3 है तो 3 पे निकाल लेते हैं, रेसिड्यू एफ जेड, ध्यान रखिएगा जेड इक्वल टू 3 इक्वल टू लिमिट जेड इक्वल टू 3 जेड माइनस 3, एफ जेड मतलब ये टोटल सीक्वेंस, तो जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस 2 का होल स्क्वायर और जेड माइनस 3, तो ये कैंसिल होगा, पुट द वैल्यू, तो ये मिल गया हमें रेसिड्यू z इक्वल टू 3 पर, कितना 3 रख देंगे तो यह हो गया 9, 3 प्लस 2 9/5, ये मिल गया रेसिड्यू। ये तो सिंपल पोल की बात हो गई,
अब इसी तरह हम मल्टीपल पोल पे आएंगे, रेसिड्यू एफ जेड एट जेड इक्वल टू ए, और ऑर्डर जो होगा टू एम के लिए, तो वन अपॉन एम माइनस वन फैक्टोरियल डी बाय डी जेड पावर एम माइनस वन, एम माइनस वन जेड माइनस ए पावर एम एफ जेड, और इसकी वैल्यू जेड इक्वल टू ए पर, ये ऑर्डर एम के लिए। तो ऑर्डर एम के लिए जब ये है तो अब इसी को सिर्फ सिंपलीफाई करना है, तो हम आते हैं पॉल, ऑर्डर का पोल टू है एफ जेड, जेड इक्वल टू माइनस टू, ये है ना, दिस इज माइनस टू। तो वर्कआउट टू माइनस वन, ऑर्डर भी टू है, नो प्रॉब्लम, टू माइनस वन, यहाँ पे हो जाएगा आपका डी बाई डी जेड, जेड प्लस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा एफ जेड, तो एफ जेड इज ये जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस टू का होल स्क्वायर जेड माइनस थ्री, ये कैंसल वन, बट यहाँ पे इस डी बाई डी जेड जेड स्क्वायर अपॉन जेड माइनस थ्री की वैल्यू जेड इक्वल टू माइनस टू पर। लेकिन पहले इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तब जा करके आगे के क्वेश्चंस को हम कर पाएंगे, पहले डेरिवेटिव देन गो फॉर द रिजल्ट्स, ठीक है। तो डेरिवेटिव कर लेते हैं, पहले मिल जाएगा जेड डिनोमिनेटर इंटू डेरीवेटिव टू जेड माइनस न्यूमरेटर्स इंटू डेरीवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर्स अपॉन जेड माइनस थ्री का होल स्क्वायर एट जेड इक्वल टू माइनस टू, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अब वैल्यूज को पुट अप कर दीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए, सिंपल सा वर्कआउट, चाहे तो मल्टीपल कर लीजिए फिर सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो मेथड हमारे पास अवेलेबल है वैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर कर दो माइनस टू माइनस थ्री, फिर यहाँ पे हो जाएगा माइनस फोर, हो गया टू टू माइनस फोर, और यहाँ पे दिस इज फोर, ठीक, यहाँ पे हो गया माइनस टू माइनस थ्री का होल स्क्वायर, इम्प्लाई दैट, तो ये हो गया माइनस फाइव, हो गया फोर, तो माइनस माइनस फोर मतलब ट्वेंटी, माइनस फोर डिवाइडेड बाय फाइव पच्चीस, हो गया सोलह बटे पच्चीस, तो ये मिल गया। तो रेसिड्यू इस पॉइंट पर ये हमें फाइंड आउट हो गया 16/25। तो मल्टीपल पोल के लिए इस तरह से वर्कआउट हमें करना होगा रेसिड्यू को निकालने के लिए, ठीक है। और क्वेश्चंस ले लेते हैं, चलिए आइए। एफ जेड साइन पाई जेड प्लस कॉस ऑफ पाई जेड अपॉन जेड माइनस टू, ठीक, एंड जेड माइनस थ्री, ये इस पे हमें वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। तो पोल एंड ऑर्डर्स की बात हमें करनी है, सिंपल इज पोल जेड माइनस टू एंड जेड माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, तो जेड इक्वल टू टू एंड थ्री, एंड बहुत सिंपल पोल है, बहुत हर सिंपल पोल है, तो आप रेसिड्यू अब निकाल सकते हैं। रेसिड्यू एफ जेड पहला एड जेड इक्वल टू टू पर, लिमिट जेड इक्वल टू टू जेड माइनस टू इंटू एफ जेड, तो साइन ऑफ पाई जेड प्लस कॉस ऑफ पाई जेड अपन जेड माइनस टू एंड जेड माइनस थ्री, ठीक, सो दैट वैल्यू इज कैंसल, पुट द वैल्यूज, तो साइन ऑफ टू पाई प्लस कॉस ऑफ टू पाई अपॉन टू माइनस थ्री, ये ज़ीरो, कॉस टू पाई इज वन, तो वन बाई वन माइनस थ्री दैट इज सॉरी माइनस वन, तो माइनस वन निकल गया, ठीक। दूसरा रेसिड्यू एफ जेड जेड इक्वल टू थ्री, तो प्रोसेस लिमिट जेड इक्वल टू थ्री, ये ध्यान रखिएगा दैट इज
फार्मूले को सही से इम्प्लीमेंट करना इज इम्पॉर्टेंट है, कैसे हम वे में इम्प्लीमेंट करते हैं, बाकी का कुछ भी नहीं है। दैट इज साइन ऑफ पाई जेड कॉस ऑफ पाई जेड अपॉन जेड माइनस थ्री जेड माइनस टू, सो दैट वैल्यू इज कैंसल। फिर से यहाँ पे पुट अप कर दीजिए, इज इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ थ्री पाई प्लस कॉस ऑफ थ्री पाई डिवाइडेड बाई थ्री माइनस वन, सो वी गेट इज वॉट, थ्री पाई इज ज़ीरो बट कॉस थ्री पाई इज नॉट ज़ीरो, कॉस थ्री पाई इज माइनस वन, वन दिस इज माइनस वन। तो ये चीज़ें समझने आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हम कैसे इसको हैंडल करते हैं। तो आपके लिए अब एक होमवर्क देता हूँ मैं, एफ जेड साइन पाई जेड स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ पाई जेड स्क्वायर है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है जेड माइनस टू और जेड माइनस वन पर। ये हमें आपको बताना है रेसिड्यू और इसके क्वेश्चंस को, दैट इज़ द वे कि इस क्वेश्चन का हमारा रेसिड्यू क्या होगा। ठीक है, एक हो गया, दूसरा लेते हैं, इज एफ जेड इज इक्वल टू, ठीक है, एफ जेड इज इक्वल टू जेड क्यू, ठीक है, एंड कॉस ऑफ वन बाई जेड एट जेड इक्वल टू जीरो। तो ये दो क्वेश्चंस आप ट्राई करिए, व्हाट इज द रेसिड्यू ऑफ दिस, इन दोनों के रेसिड्यू क्या होंगे। अब हम आगे जो हमारा लेक्चर होगा हम उसमें सीखेंगे कि रेसिड्यू एट इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट ऑफ पॉइंट्स हो तो उस पर हम रेसिड्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट वे। सो टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।